हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग पिट गए होंगे। तो गाइस यहाँ पर थंबनेल देख के समझ चुका हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस क्या आपके पास भी सैमसंग गैलेक्सी M55 डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास भी सैमसंग गैलेक्सी M55 डिवाइस, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम हो रही है, ऑटोमेटिकली बैटरी ड्रेन होने का कैसे ठीक करें। तो गाइस यहाँ पर मैं स्मार्ट को 100% फिक्स करने वाला। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, देन चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते हो। देन अगर आपका कोई और सवाल है कमेंट कर देना, मैं उसको कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपका सवाल कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है बैटरी बैकअप है बहुत ज़्यादा, उस दिन से डाउन होने लगा है, ऑटोमेटिकली ड्रेन हो जाती है। किसी किसी भाई का सवाल है नेट में बैटरी ऑटोमेटिक ड्रेन होती है। किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमारा मोबाइल जितना ओल्ड हो जा रहा है बैटरी बैकअप उतना ही कम होता जा रहा है, कैसे इंक्रीज करें। तो यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जो आपको टिप्स एंड सेटिंग्स है सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है और आपका जो बैटरी बैकअप है मोबाइल का काफ़ी इंक्रीज एंड काफ़ी बढ़ जाएगा। चलिए कैसे यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ रखकर लोकेशन, ये तीन चीज़ आपके डिवाइस में ऑन रहती हैं कि ऑफ रहती हैं। क्योंकि कहीं से यहाँ पर ये आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है और आपके बैकग्राउंड रन करती है, जिससे आपके डिवाइस की बैटरी ऑटोमेटिकली ड्रेन होने लगती है। तो हमेशा आपको इन तीनों चीज़ को ऑफ करके रखना है। एंड कैसे यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को लोग 24 घंटे ऑन करके रखते हैं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, हमेशा आपको अपने मोबाइल के डाटा को ऑफ करके रखना है। जब भी आपको इंटरनेट चलाने की जरूरत है तभी डाटा को ऑन करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल के डाटा को ऑन करके पॉकेट में रख लेते हैं या मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं फिर भी उनका डाटा ऑन है। इससे क्या होता है, आपको पता है, आपका मोबाइल एक तरह से ऑनलाइन मोड में आ जाता है, सारे दिन एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन वगैरह हर टाइम आते रहते हैं, जिससे आपकी बैटरी की हेल्थ है वो भी डाउन होती है। दूसरी बात, आपकी बैटरी तो ऑटोमेटिक ड्रेन होने लगती रहती है और आपको मालूम नहीं पड़ता है। तो यही रीजन होता है। सिंपली आपको जाना है सेटिंग में। कहीं से यहाँ पर जैसे आप सेटिंग में आओगे, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन देगा जिसका नाम है डिस्प्ले, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप डिस्प्ले पे क्लिक करोगे, मैं आपसे एक रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपको अपनी बैटरी को, मोबाइल की बैटरी को 20 से 30% एक्स्ट्रा चलाना है तो आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डार्क मोड का यूज़ करें। जैसे आप अपने मोबाइल को डार्क मोड को यूज़ करोगे, ऑटोमेटिक आपका जो बैटरी बैकअप है 20 से 30% एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाता है। इसका रीज़न है कि आपकी सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ यहाँ पर बैटरी को कंज्यूम करती है तो वो होती है आपकी मोबाइल की डिस्प्ले। अगर आप डिस्प्ले को ही डार्क मोड में यूज़ करोगे तो आपका बैटरी बैकअप ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें मोबाइल को डार्क मोड में यूज़ करने की। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है एडेप्टिव ब्राइटनेस, इसे आपको ऑन कर देना है। इससे आपकी बैटरी ज़्यादा सेव होती है, फालतू में ड्रेन नहीं होती है, तो आप इस चीज़ को भी यूज कर सकते हो। सिंपली आपको जाना पैक। सबसे पहले मैं आपको डार्क मोड हटा देता हूँ ताकि आपको सेटिंग बता सकूँ, उसके बाद आप लगा लेना। एंड आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है बैटरी, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे आप बैटरी पर क्लिक करोगे, आपका किसी किसी भाई का सवाल होता है कि भाई हम कहीं एमरजेंसी इस्तेमाल में बैटरी को ज़्यादा देर तक कैसे चलाएं। आपके पास हो सकता है लाइट ना हो, चार्ज ना हो, या आपको बैटरी को ज़्यादा देर तक चलाना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पावर सेविंग मोड को ऑन कर सकते हो। इससे आपका बैटरी बैकअप है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, 2-4 घंटे एक्स्ट्रा चल जाता है। एंड हमारी जो बैटरी ऑटोमेटिक ड्रेन होती है वो रुक जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिक बैटरी सेव करने लग जाता है बैटरी सेवर, क्योंकि जो रनिंग प्रोसेस होती है वो पूरी तरह से स्लो हो जाती है। बैटरी की जो जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो भी डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण हमारा मोबाइल काफ़ी ज़्यादा बैटरी को सेव करने लगता है। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड यूज लिमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। कोई एप्लीकेशन है जो आपकी काम का नहीं है, नोटिफिकेशन काम की नहीं है, बट एप्लीकेशन काम का है, वो आपकी बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो आपको करना है स्लीपिंग मोड पे जाना है। जैसे देख सकते हो मैंने काफ़ी सारे एप्लीकेशन डाल रखे हैं ऑलरेडी, ऐसे ही करके आपको डालना है, प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी एप्लीकेशन वो डाल सकते हैं जिनकी आपको नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं, जैसे फायर एप्लीकेशन है इसकी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, एंड इसकी नोटिफिकेशन वगैरह रुक जाती हैं, डिले होकर आएंगी काफ़ी लेट। एंड जब आप एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो टाइम टू टाइम आएंगी, बट इससे आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा सेव होगी, फालतू में ड्रेन नहीं होगी। तो कुछ एप्लीकेशन हो जो भी आपको लगता है जिनकी नोटिफिकेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, उन सभी को आप स्लीपिंग मोड में डाल सकते हैं। सिंपली आपको आ जाना पैक। एंड यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट बैटरी, अगर आपको लगता है कि आपको बैटरी की हेल्थ को सेव करना है तो आप यहाँ पर ऑन कर सकते हो। बट इसमें एक चीज़ है जो कि आपको पता है, आपका मोबाइल है वो 85% से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, इसमें यही प्रॉब्लम है। तो आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। सिंपली आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चार्जिंग चार्जिंग सेटिंग का वगैरह का है, बट यहाँ पर बैटरी हेल्थ वगैरह की इन्फॉर्मेशन है। सिंपली आपको जाना बैक। अब आपको क्या करना है, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, फालतू के फोटो वीडियो एप्लीकेशन भर लेते हैं, उन चीज़ों को भी आपको डिलीट करना है। डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपकी स्टोरेज कितनी भरी हुई है, जितनी स्टोरेज ज़्यादा भरती जाएगी ऑटोमेटिक बैटरी बैकअप उतना ही कम होता जाता है, इस चीज़ का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। एंड आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी कोई मोबाइल लॉन्च होता है आपको पता है उनमें कोई लोड नहीं होता, इसी वजह से बैटरी बैकअप है उनका काफ़ी ज़्यादा होता है। हम क्या कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन फोटो वीडियो भर लेते हैं, तो वो फोटो वीडियो को आपको फालतू के डाउन डिलीट करने के बाद तीन पर क्लिक करना है, रिसाइकल बिन पर जाना है,
जो चीज़ें आपने डिलीट की होंगी फोटो वीडियो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से भी आपको डिलीट करना है तभी परमानेंट डिलीट होंगी और आपकी स्टोरेज पूरी तरह से क्लीन एंड खाली हो जाएगी। तो यहाँ से आप यहाँ पर इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हो ताकि आपका बैटरी बैकअप है काफ़ी इंक्रीज एंड काफ़ी बढ़ सके। अब सिंपली क्या करना, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं अपने डिवाइस पर फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब गेम वगैरह जो भी चलाते हैं चलाते हैं और मोबाइल को लॉक करके रख देते हैं। हमेशा जब भी आप मोबाइल को लॉक करके रखने जा रहे हो रीसेंट मेनू पर क्लिक करो, जो चीज़ आपने यूज़ की यहाँ से आप क्लोज ऑल कर दो, तभी मोबाइल को लॉक करो ताकि वो चीज़ आपके बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगी और आपकी बैटरी फालतू में ड्रेन नहीं होगी। तो आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई और सवाल है कमेंट कर देना। गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, देन चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई और सवाल है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो में, बस इतना ही।